हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मरीनर्स कॉर्नर। लास्ट वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी में। पार्ट वन में आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, उसका एक पॉपुलर तरीका मैंने डिस्कस किया था जीपी रेटिंग के बारे में। उसमें एक चीज़ मैंने मेंशन किया था कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि जो शिपिंग कंपनीज के खुद के इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए। ये बोलने का एक रीज़न था, जो रीज़न मैं आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो रीज़न ये था कि डीजी शिपिंग का एक नया रूल आया है। डीजी शिपिंग का जो आपका रूल है वो आपका 24 तारीख अक्टूबर को आया था 2018। आपका ट्रेनिंग सर्कुलर है, ट्रेनिंग सर्कुलर नंबर 30 2018। तो इसमें जो है प्री सी कोर्स लेके जो है डी शिपिंग ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसका रीज़न ये है कि पहले बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने के बाद जो है ट्रेनिंग जैसे आपका ख़त्म हो गया तो इंस्टीट्यूट का लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आप सर्टिफिकेट लेके कंपनी टू कंपनी घूमते रहते थे। कंपनीज़ में फ्रेशर का तो वैकेंसी ऑलमोस्ट ना ही है, तो इसके चलते जो है बहुत सारे लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते थे। एजेंट के चक्कर में फंसने के बाद जो है बहुत पैसा वो लोग गंवा देते थे। गंवाने के बाद भी वो लोगों का ढंग का शिप नहीं मिलता था, या ढंग का सैलरी नहीं है, शिप पे खाना पीना सही नहीं है, देन आपका लोकेशन सही नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। बहुत लोग तो बहुत सालों तक वेट करने के बाद शिपिंग लाइन ही छोड़ देते थे। और ये सब जो पैसा एजेंट लोगों को दिया जाता था, बहुत गरीब घर के लड़के भी है, मिडिल क्लास घर के लड़के लोग भी हैं जिनके लिए जो है 2-3 लाख 4 लाख रुपये एक बड़ा अमाउंट है। बहुत लोगों ने ज़मीन वगैरह जो है गिरवी रख के भी बहुत पैसा ऐसे ही वेस्ट किया है। तो एनीवेज़ अभी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीजी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो इनका जो स्टेप है इनका कैसा है कि इन्होंने बोला कि प्री सी ट्रेनिंग का आपका आईएमओ कन्वेंशन के अंडर में जो है, आईएमओ कन्वेंशन मतलब हो गया आपका इंडियन मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो एसटीसीडब्ल्यू का प्री सी कोर्स है। तो प्री सी कोर्स में कैसा है कि प्री सी कोर्स में आपका ऑन शोर ट्रेनिंग प्लस ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दोनों ही इंक्लूड है। मतलब ऑन शोर मतलब इंस्टीट्यूट में रह के जो आप लैंड पे ट्रेनिंग लेते हैं वो, और हो गया आपका वो ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद सी गोइंग ट्रेनिंग मतलब जहाज़ पे आके ट्रेनिंग लेना। तो इसके लिए डीजी शिपिंग ने उस इंस्टीट्यूट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया कि जो इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा अपना प्री सी ट्रेनिंग, तो प्री सी ट्रेनिंग के लिए उसको जो है इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग देना है और इंस्टीट्यूट के बाहर प्लेसमेंट भी उनको देना है। प्लेसमेंट मतलब जहाज़ पे, शिप पे भी आपको प्लेसमेंट देना है, और ये टोटली जो है इंस्टीट्यूट का ही लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, और ये भी चीज़ मैंडेटरी किया है कि आप एडमिशन लेते टाइम इंस्टीट्यूट जो है पहले से ही शिपिंग कंपनीज के साथ एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले से ही उस इंस्टीट्यूट के साथ शिपिंग कंपनीज का होना चाहिए इन एडवांस। जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं इंस्टीट्यूट में, वैसे ही जो है आपको इंस्टीट्यूट इन राइटिंग स्पॉन्सरशिप लेटर देना पड़ेगा, जिसमें जो है पहले से मेंशन रहेगा कि पासिंग आउट के बाद आप कौन से कंपनी में कौन से जहाज पे जो है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अभी एकदम से कंपलसरी कर दिया गया है डीजी शिपिंग के ये नए रूल। और एक बात उसमें ये है दोस्तों कि जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग का कैपेसिटी जितना रहेगा उस हिसाब से ही जो है वो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। मतलब पहले जो इनटेक था इंस्टीट्यूट्स का 40-80 जो भी था, तो अभी जो है 40-80 नहीं होगा। अगर 40 इनटेक होता है तो 40 मतलब 40 में 40 लड़के लोगों को जो है प्लेसमेंट देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाते हैं, किसी भी तरह का ये वायलेशन होता है डीजी शिपिंग के रूल का, तो जो है इन इंस्टीट्यूट्स का इनटेक कम कर दिया जाएगा। और अगर बहुत बड़ा मेजर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो है ये लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल कर देगा डीजी शिपिंग। तो इसके लिए और एक चीज़ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो है इस इंस्टीट्यूट्स को जो है ट्रेनिंग पासिंग आउट के बाद जो है मिनिमम 85% के ऊपर जो है, या 85% कैंडिडेट्स को जो है विद इन 1 ईयर ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग ये लोगों को ऑनबोर्ड प्लेसमेंट करना ही है। अगर ये लोग प्लेसमेंट नहीं कर पाता है तो जो है डीजी शिपिंग इसके ऊपर एक स्टेप लेगा।
और अगर 85% मान लीजिए नेक्स्ट वन ईयर में वो लोग नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो जो है नेक्स्ट ईयर में एक बैच चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर बैच ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी ये लोग 85% मतलब नेक्स्ट ईयर मतलब नए बैच के स्टूडेंट्स को ही भेजेंगे, जो भी लोग पेंडिंग में बैठे रहेंगे वो लोगों को पहले भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है डी शिपिंग ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है अभी कि इसी स्पॉन्सरशिप के चलते जो है आपका इनटेक बहुत कम हो गया। पहले जो है पब्लिक ट्रेनिंग करके इधर उधर ट्राई कर सकता था, अभी ऐसा नहीं है। जो इंस्टीट्यूट आपको स्पॉन्सरशिप दे पाएगा वही इंस्टीट्यूट जो है आपको ट्रेनिंग भी दे पाएगा। तो सारे इंस्टीट्यूट्स अभी तो जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं रहेंगे, शायद काफ़ी बंद भी हो जाएगा या जो इनटेक है वो लोगों का बहुत कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग के साथ साथ जो है आपका प्लेसमेंट का भी एक पॉसिबिलिटी आ जाता है। और ये पॉसिबिलिटी ये प्लेसमेंट का कब तक रहेगा इसके लिए भी डी शिपिंग ने कुछ बनाया है। जब तक आपको COP या COC, COP मतलब हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये अगर जब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा या जब तक आप इन दोनों के लिए एलिजिबल ना हो तो जो है आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रॉपरली मॉनिटर करेगा एवं ये एंड जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ही ये लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। COP नॉर्मली आपका क्रू बैकग्राउंड से जो लोग जाता है वॉच कीपिंग के बाद वो लोगों को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसके लिए अभी 12-18 मंथ्स का एक क्राइटेरिया है। और COC हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो है जो बंदे लोग अपना एग्ज़ाम दे के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एग्ज़ाम दे के ऑफिसर बनने के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलता है। और दोस्तों इसके साथ और एक चीज़ मैंडेटरी है जो मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है प्रीसी ट्रेनिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के इंडिविजुअली मतलब सारे चीज़ के रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन करेंगे। और जैसे कि आपका ऑनबोर्ड ट्रेनिंग हो गया और हो गया आपका ऑनशोर ट्रेनिंग, दोनों ही चीज़ जो है ये लोग प्रॉपरली रजिस्टर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे। और इसका एक कॉपी जो है डीजी शिपिंग के साइट पे भी ये लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपको COP जैसे कि मैंने बताया ये आपको जब तक COP या COC ना मिल जाए। और इन बिटवीन अगर कोई भी इंस्पेक्शन हुआ जैसे कि आपका अप्रूवल इंस्पेक्शन हो गया, CIP इंस्पेक्शन हो गया, शेड्यूल इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन और कोई भी विजिट हो गया डी शिपिंग के बंदे लोगों का, अगर उन लोगों ने ये चीज़ देखा कि ये जो रूल डीजी शिपिंग ने लागू किया सबके लिए अगर किसी भी तरह से ये लोगों का वायलेंस होता है तो जो है कंपनी का सॉरी इंस्टीट्यूट्स का जो है इनटेक कम कर दिया जाएगा या प्रीसी कोर्स करवाने का ये लोगों का जो लाइसेंस है यहाँ तक जो है ये लोगों को रद्द किया जाएगा मतलब सस्टेन कर दिया जाएगा। तो एनीवेज दोस्तों जितना इन्फॉर्मेशन ये डी शिपिंग के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में देना था मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आप लोगों को मेंशन किया। किसी को अगर ये डी शिपिंग का ये PDF फाइल चाहिए मतलब आपको अगर खुद पढ़ के देखना है कि क्या है यहाँ पे कहाँ के कहाँ तक सच्चाई है, मैं आपको कितना सच बोल रहा हूँ कितना झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो है बाई मेल या बाई एनीथिंग जो है ये आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए यही बहुत है क्योंकि मैं भी अभी ऑनबोर्ड ही हूँ तो मेरे लिए अभी और ऊपर से जहाज पे अभी हेक्टिक शेड्यूल भी चालू है तो हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर से जो है जहाज के इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है तो एक वीडियो अपलोड करने में मेरे को 2-3 दिन लग जाता है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी, जुड़े रहिए अपने मेरिनर्स कॉर्नर के साथ टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड अबाउट मर्चेंट नेवी और गाइडेंस जो है आपको प्रॉपरली मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा।